नई संसद भवन के उद्घाटन के साथ ही आज देश को नया मोदी मंत्र मिला। मंत्र देश के विकास का, मंत्र सामर्थ्य पर विश्वास का, मंत्र हिंदुस्तान को आगे ले जाने का। और इसी मोदी मंत्र के सहारे आधे घंटे से ज्यादा के उनके संबोधन में वो तमाम बातें उनके मुख से निकली जो ये राह तय करती हुई कि आगे आने वाले वक्त में भारत को अगर विश्व गुरु बनना है तो उसको किस तरह से अपनी सामर्थ्य पर, अपनी क्षमता पर करना होगा भरोसा। नव निर्माण से जुड़े होते हैं सपने, जुड़ी होती है उम्मीदें, तमाम आकांक्षाएं। और जब नव निर्माण हो लोकतंत्र के नए और भव्य मंदिर का, तो भारत के 140 करोड़ लोगों का भरोसा इस भवन से जुड़ जाता है। भरोसा विकास का, विकसित राष्ट्र का, देश को आकाश की ऊंचाइयों पर पहुंचाने का और नया और मजबूत भारत बनाने का। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आज शुभारंभ हुआ, नई संसद का उद्घाटन हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आधे घंटे से ज्यादा जोशीला भाषण हुआ और इसी के साथ ही लोकतंत्र का एक नया अध्याय हिंदुस्तान गढ़ता हुआ, रचता हुआ, आगे की ओर बढ़ता हुआ नई नई खूबसूरत तस्वीरों के साथ। लोकसभा और राज्यसभा की जो भव्य तस्वीरें सामने आई हैं वो देखते ही बनता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज उद्घाटन के बाद जो भाषण दिया गया उसमें नए हिंदुस्तान की बड़ी तस्वीर रखने की पेशकश की गई, तो ये भी बताया गया कि दरअसल ये कोशिश इसलिए है ताकि आगे आने वाले वक्त में हम हिंदुस्तान को एक नई दिशा और नई ऊर्जा के साथ आगे लेकर जा सकें। आज सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ कार्यक्रम किस तरह से समापन की ओर आगे बढ़ा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से आज अपने भाषण के जरिए समूचे हिंदुस्तान को क्या दिया गया है संदेश, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। अब इससे सुंदर पंक्तियां क्या हो सकती थी उस गर्व भरे ऐतिहासिक क्षण के लिए जिसमें लोकतंत्र का मान है, जनता का सम्मान है, देश का स्वाभिमान है, भारत माता का विजय गान है। नए संसद के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने ऐसी ही पंक्तियों से भारत के गौरव का गुणगान किया, भारतीयों के अनंत सपनों को रोशन किया, नए राग नए प्राण का जिक्र कर देशवासियों को नई ऊर्जा से भर दिया। आजादी का यह अमृतकाल विरासत को सहेजते हुए विकास के नए आयाम गढ़ने का अमृतकाल है। आजादी का यह अमृतकाल देश को नई दिशा देने का अमृतकाल है। आजादी का यह अमृतकाल अनंत सपनों को, असंख्य आकांक्षाओं को पूरा करने का अमृतकाल है। इस अमृतकाल का आह्वान है
इस अमृत काल का आह्वान है मुक्त मातृभूमि को, मुक्त मातृभूमि को नवीन पान चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा, मुक्त गीत हो रहा, नवीन राग चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। नई संसद की ये इमारत जितनी भव्य है, इससे जुड़ी आकांक्षाएं भी उतनी ही विशाल हैं। नई संसद 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों का प्रतीक है। नई संसद भारत की गौरवशाली परंपरा की पहचान है। ये सिर्फ एक भवन नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। ये विश्व को भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। यही वजह है कि नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर इतिहास की गौरव गाथाओं की चर्चा हुई, आजादी के नायकों के सपनों की बात हुई, नूतन और पुरातन को साथ लेकर नए भारत के निर्माण की मजबूत सोच दिखी।